दोस्तों द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। लगातार हम आपको पब्लिक की बातचीत दिखा रहे हैं, पब्लिक का क्या मानना है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिंसा व डेरा सौदा सौदा के लिए। ये सीधी बातचीत आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ अशोक इंसा जी हैं जो डेरा सच्चा सौदा से काफ़ी समय से जानते हैं, डेरा सच्चा सौदा के साथ काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और वेल एजुकेटेड हैं, इंजीनियर हैं, इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। अशोक जी द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, कितने साल हो गए हैं आपको डेरा सच्चा सौदा में? मैं डेरा सच्चा सौदा में जनवरी 2004 में नाम लिया था हमने और तब से मैं लगातार यहाँ आ रहा हूँ। सर आपका प्रोफेशन क्या है? मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और हीरो ग्रुप कंपनी के अंदर मैं काम कर रहा था। अभी कोरोना काल में थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ तो कंपनी ने, क्योंकि मुझे वहाँ कंपनी में 31 ईयर्स हो गए थे, कंपनी ने मुझे कुछ स्कीम चाही थी तो उन्होंने मुझे VRS दे दिया। सर डेरा सच्चा सौदा के बारे में क्या लगता है आपको, सच क्या है? डेरा सच्चा सौदा बिल्कुल सच का ही सौदा यहाँ होता है। जो हमारे गुरु जी हैं संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा, हमें सच का मार्ग पढ़ाया। जब से हमने यहाँ से जुड़े हैं तब से हमें हमारे घर में जो है दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति हुई है। हमारी बेटी भी मैकेनिकल इंजीनियर है, एक बेटी हमारी MBA करके वो भी जॉब कर रही है, बेटा मेरा BSc AG कर रहा है कानपुर से। पूरे परिवार में खुशियाँ हैं और हमने अपने रिश्तेदारों को, अपनी सिस्टर्स को, अपनी भांजी को, सबको हमने नाम दिलवाया, क्योंकि यहाँ सब कुछ सच है। सच के अलावा यहाँ कुछ झूठ है ही नहीं। सर आपकी बेटियाँ भी आश्रम में आती हैं? मेरी बेटी आश्रम आती हैं, मेरी वाइफ आती है, मेरे फादर यहाँ आते हैं, मेरी पूरी फैमिली यहाँ पर आश्रम में आती रहती है। सर बेटियों को लेकर माहौल कैसा है आश्रम में? बेटियों को लेकर यहाँ माहौल जिस तरह से उड़ाया जाता है कि यहाँ पर बेटियों के साथ में सही बिहेव नहीं होता है, तो मेरी बेटी ने यहाँ अकेले आकर सेवा किया है और मेरी वाइफ है, सब कुछ यहाँ, तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी तरह कोई गलत बोला गया हो, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। जो एलिगेशन सर फिर संत जी के ऊपर लगाए जा रहे हैं? एलिगेशन तो संतों के ऊपर पहले भी होते रहे हैं, लोग लगाते रहे हैं। आज उसी तहत में कुछ राजनीतिक लोगों ने इस तरह से बवंडर किया है कि उनको बदनाम किया, गुरु जी को बदनाम किया है। क्यों? गुरु जी ने सब कुछ सच सच सिखाते हैं और वही गुरु जी कुछ गलत कर ही नहीं सकते हैं। सर 3-4 सालों से अब संत जी समाज में नहीं है, क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर? समाज के ऊपर तो बहुत प्रभाव पड़ रहा है, जब से गुरु जी नहीं है तब से समाज में बुराइयां बढ़ रही हैं और नशाखोरी बढ़ रही है और लोग, चूँकि लाखों आदमी यहाँ जुड़ रहे थे, यहाँ पर बुराई छोड़ रहे थे, दारू छोड़ रहे थे, मीट छोड़ रहे थे, वेश्याव्रति छोड़ रहे थे, बुराइयाँ तो त्राहिमाम समाज में मचा हुआ है। हम लोग चाह रहे हैं कि गुरुजी जल्दी से जल्दी आवें और हम लोगों को और पूरे समाज को हजारों गुना खुशियाँ अधिक मिलें। हमारे सबकी ऐसी मांग है, हम लोग सोच रहे हैं कि गुरुजी आएं, अच्छा रहे सब कुछ। सर एक तरफ जिस तरीके से आप मांग कर रहे हो, ऐसा क्यों मांग कर रहे हो, मतलब उन्होंने किया क्या है, उनका रोल क्या है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए? समाज में उन्होंने 134 मानवता कार्य चला रखे हैं, इतने मानवता कार्य तो कहीं मिलते नहीं हैं। क्योंकि हम लोग अभी एक हफ्ते से हम यहाँ सेवा लगा रहे हैं, यहाँ हर तरह से हम जैसे सेवादार यहाँ आते हैं, इतनी सर्दी के अंदर गर्म पानी नहाने के लिए बढ़िया बढ़िया गर्म पानी कर रखा है, जो घर में हम लोग नहीं कर पाते हैं, सुविधा नहीं कर पाते हैं, हर चीज़ सारी सुविधाएं यहाँ पर हैं। और समाज ऐसे ही बहुत सारे लोग हमारे साथ के आएंगे यहाँ पर तो वो भी जुड़ेंगे, अच्छा ही जुड़ जाएंगे तो उनका परिवार अच्छा होगा, क्योंकि बुराइयाँ इतनी ज़्यादा फैल रही हैं, उन बुराइयों को केवल एक ही संत दूर कर सकता है, वो डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा सही कर सकते हैं, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। अब संत जी आ जाएंगे समाज में तो क्या बदलाव होगा? संत जी जब आ जाएंगे तो बहुत अच्छे अच्छे कार्य होंगे और समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं वो दूर होंगी। समाज में जब कुरीतियाँ दूर होंगी, लोग अच्छे होंगे, उनके परिवार में खुशहाली बनेगी। क्योंकि इस टाइम पर मैं देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट भी जॉब नहीं दे पाती है, तो गुरुजी ने बहुत सारे इस तरह काम कर रखे हैं, खेती के लिए अच्छे अच्छे काम कर रखे हैं कि लोग खेती में अच्छा काम करके अपनी अपना जो है रोज़गार बढ़ा सकते हैं खेती के माध्यम से। बहुत सारे यहाँ पर जो है दवाइयाँ का वो है, वो से उससे अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं, तो इस तरह से गुरुजी बहुत अच्छे कार्य कर सकते हैं। सर यहाँ आने वाले लोगों को तो ये भी बोला जा रहा था कि वो अंधभक्त हैं,
ऐसे लोगों को क्या जवाब? नहीं, बिल्कुल अंधविश्वास तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैं जब शुरू में जुड़ा था तो मैंने नाम लेने के उद्देश्य नहीं आया था, हमें तो कोई भाई ऐसे लिया था कि भाई चलो वहाँ देख के आते हैं। तो गुरु जी ने कहा कि भाई यहाँ पर 365 करोड़ देवी देवता हैं, जिसको कबीर साहब ने, भगवान राम ने, कृष्ण ने नाम जपा है वो असली नाम है। तो उस भाई से कहा, हम कहा भाई असली नाम कहाँ मिलेगा? उन्होंने बताया पीछे जो है वो सचखंड हाल है, वहाँ पर असली नाम मिलेगा। तो हम कहा भाई एक बार असली नाम सुन लेता हूँ क्या है। जब से हमने असली नाम सुना तब से हमारे घर में तो खुशियाँ ही खुशियाँ हुई, अपनी पूरी फैमिली को हमने जोड़ा, अपने रिलेटिव, अपनी सिस्टर को, अपनी माँ को, अपने पिताजी को, सबको नाम से जोड़ा। क्योंकि मेरा घर जो है लखनऊ से आगे रायबरेली डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, और वहाँ से सबको सब लोगों लेकर लाता हूँ और नाम दिलाता हूँ, और सब मौज मार रहे हैं, सब खुशी ले रहे हैं। मैं सोचता हूँ अगर सब लोग ऐसे ही जुड़ जाएंगे 150 सौदे से, सभी घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, मेरा ऐसा मानना है। सर आपने एक यूनिफॉर्म पहना हुआ है, इसका क्या मतलब है, किस चीज़ की है ये यूनिफॉर्म? जो है ग्रीननेस की है, इसके लिए हमने गुरु जी को जो है लिखित रूप से फीडबैक दे रखा है। ये सेवा के लिए हमने लगा, ये सेवा के लिए है कि यदि हमारी सेवा करते करते कोई मौत भी हो जाए तब भी हम डेरे पर कोई क्लेम नहीं करेंगे। और जब से हमने इस वर्दी से सेवा लगाता हूँ मुझे बहुत खुशी मिलती है और बहुत सारी खुशियाँ मिलती हैं। क्या सेवाएं करती है सर समाज के लिए? समाज के में जैसे कि हम कहीं कहीं कोई बाढ़ आ जाए उसके लिए काम करते हैं, कहीं कोई मकान आपदा कोई आ जाए उसमें सेवा लगाते हैं, कोई ब्लड के बिना अगर मर रहा हो तो वहाँ जाकर उसको हम ब्लड डोनेट करते हैं। इस तरह के बहुत सारी सेवाएं हम करते हैं, समाज के लिए करते हैं, पशु पक्षियों के लिए करते हैं, हम लोग सेवा लगाते हैं। सर पैसा तनख्वाह भी मिलती है? तनख्वाह हमें कुछ नहीं मिलती है, पर जो तनख्वाह गुरु जी के खुशियाँ देते हैं उसका कोई मुकाबला नहीं, उसे कोई होड़ नहीं है। सर क्या अपील करना चाहोगे आप लास्ट में सरकार से, संत जी के लिए? मैं सरकार से चाहूँगा कि ऐसे महान संत को जल्दी जल्दी छोड़े। जितनी हमने बहुत सारी बातें अभी हमने आपसे किया है, ये सरकार तो सोच ही नहीं सकती ऐसे काम जो सर डॉक्टर साहब गुरमीत राम रहीम सिंह जी ने किया है, गुरु जी ने ऐसे ऐसे काम किए हैं, सरकार को तो सोचना ही नामुमकिन है। सर जो भी आप बोल रहे हो वो अपनी मर्जी से बोल रहे हो या किसी के कहने से बोल रहे हो? नहीं नहीं, ये तो मेरे अपने विचार हैं, और समाज जो हमारे से बहुत लोग जुड़े हुए हैं वो सबका ही सही मानना है, जो खुशी यहाँ मिलती है वो कहीं मिल नहीं सकती। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों लगातार हम आपको दिखा रहे हैं पब्लिक की सीधी बातचीत, किस तरीके से पब्लिक सामने आकर बोल रही है, वेल एजुकेटेड लोग आके बोल रहे हैं कि झूठा बदनाम किया गया, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, आखिर क्यों? जिस तरीके से ये लोग बता रहे हैं समाज के लिए, जिस तरीके से कार्य समाज के लिए संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा ने 150 सौदा ने किए हैं, आज समाज उसके लिए मांग कर रहे हैं संत जी की, ये वो फैक्ट हैं जो अपने सूत्रों के हवाले से नहीं देखे होंगे। फिर आखिर क्यों एक संत को इस तरीके से बदनाम किया है? कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि समाज से नशा दूर हो? ये आप लोग सोचिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।